दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के रिसर्च का शेयर है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है और फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिजल्ट इसका आ चुका है। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की है, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कंपनी में कितना दम है, आगे क्या कर सकती है और इसके पिछले 5 सालों के रिजल्ट क्या रहे हैं। इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों कंपनी एग्री इनपुट बनाती है और वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स का। दोस्तों इसके पोर्टफोलियो में ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत प्रोडक्ट हैं। उस प्रोडक्ट को बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये सॉइल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट देते हैं, ये क्रॉप के न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट देते हैं, बायोस्टिमुलेंट बनाते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट के ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, क्रॉप प्रोडक्शन के ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं और भी नई टेक्नोलॉजीज पे ये काम कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी 31 जनवरी 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग का प्राइस था, ये लिस्ट हुई थी 56 रुपये पे। IPO का प्राइस रेंज था 39 to 41 रुपीज़। दोस्तों अच्छे खासे मार्जिन पे ये लिस्ट हुई थी, 41 के अगेंस्ट में 56 रुपये पे लिस्ट हुई थी। तो लिस्टिंग के टाइम पे भी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हुआ। आगे दोस्तों 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं और इसके फ्यूचर की बात करते हैं। दोस्तों पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो 5 सालों में रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस जो थे वो इस प्रकार से थे। 2020 में 138 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में 160 करोड़ का रिवेन्यू था, 6 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में 185 करोड़ का रिवेन्यू था, 13 करोड़ का प्रॉफिट था। 2023 में 210 करोड़ का रिवेन्यू था, 20 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में 252 करोड़ का रिवेन्यू था, 28 करोड़ का प्रॉफिट था। EPS 2020 में 3.09 था, 2021 में 1 था, 2022 में 2.18 था, 2023 में 3.27 था, 2024 में 4.2 है। डेट टू इक्विटी 2020 में 1.43 थी, 2021 में 1.74 थी, 2022 में 1.49 थी, 2023 में 1.11 है और 2024 में ये कम होके 0.32 हो गई, काफ़ी रिड्यूस हो गई, कर्ज काफ़ी कम हो गया कंपनी पे। दोस्तों रिवेन्यू 2020 से लेकर 24 तक 5 सालों में लगातार बढ़ता गया, 138 से 160, 160 से 185, 185 से 210, 210 से 252, 2024 में बहुत ज़बरदस्त काम किया रिवेन्यू फ्रंट पे। प्रॉफिट की अगर बात करें 2020 में 3 करोड़ से 6 करोड़, 6 करोड़ से 13 करोड़, जस्ट डबल हो गया 2021 से 22 में। 2022 से 2023 13 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 28 करोड़ 2024 में। रिवेन्यू के फ्रंट पे भी बहुत अच्छा काम कर रही कंपनी, प्रॉफिट के फ्रंट पे भी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कर्ज को काफ़ी कम किया है, रिजर्व को बढ़ाया है। 2024 का रिजल्ट शानदार रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं और 2023 क्वार्टर मार्च 2023 क्वार्टर और 2024 के क्वार्टर की कंपैरिजन भी करते हैं। चलिए जून 2023 की अगर बात करें तो 36 करोड़ का रिवेन्यू था, 4 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 68 करोड़ का रिवेन्यू था, 7 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 78 करोड़ का रिवेन्यू था, 9 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 24 क्वार्टर की अगर बात करें तो 70 करोड़ का रिवेन्यू था, 8 करोड़ का प्रॉफिट था। और अगर मार्च 23 क्वार्टर और मार्च 24 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 70 करोड़ का रिवेन्यू मार्च 24 क्वार्टर का है, 73 क्वार्टर का रिवेन्यू रहा है मार्च 23 क्वार्टर का, प्रॉफिट दोनों क्वार्टर्स में 8 करोड़ का रहा है। तो ये मान के चलिए, ये नज़र भी आ रहा है कि मार्च 23 क्वार्टर और मार्च 24 क्वार्टर की रिवेन्यू भी फ्लैट थी और प्रॉफिट भी फ्लैट थी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी एग्री इनपुट्स पे जबरदस्त काम कर रही है, इसके ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। FIs का शेयर 4.72% है, DIs का शेयर 3.27 है, प्रमोटर के शेयर्स 59.39 है, पब्लिक के शेयर 29.92% है, डेब्ट टू इक्विटी 0.25 है, रिजर्व एंड सरप्लस 175 करोड़ का है, बोरोइंग्स 61 करोड़ की है। 24 फाइनेंशियल ईयर 2024 पे कंपनी ने रिजर्व बढ़ाया है और कर्ज कम किया है। दोस्तों फेस वैल्यू शेयर के 2 रुपये है, बुक वैल्यू 20 रुपये 90 पैसे है, 52 वीक हाई 77 रुपये 20 पैसे है, 52 वीक लो 41 रुपये है,
शेयर का प्राइस 10 जून 2024 को 63 रुपये है, जो कि आज जबरदस्त उछाल आया इस शेयर में। और चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट बनने के बाद में ऐसा लगता है कि इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंपनी में आज जबरदस्त उछाल था, आज कंपनी ने 56 रुपये से 63 रुपये पे पहुंच गई। दोस्तों स्टॉक का पी 18.08 है, सेक्टर का पी 46.08 है। सेक्टर के पी से काफ़ी आधे से भी कम पे काम कर रही है, ट्रेड कर रही है कंपनी। कंपनी में दम है, कंपनी अच्छा करने वाली है। दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के आधार पे ना कोई शेयर खरीदें और ना कोई शेयर बेचें। शेयर खरीदने और बेचने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही शेयर खरीदें या बेचें। और इस पर्टिकुलर इस वीडियो की कोई भी चीज़ लेने से पहले खुद की रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही कुछ काम करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।